केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध करते हुए पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्र की अग्निपथ योजना की मुखालफत करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बातें कही। कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है, परंतु इस योजना का बहिष्कार स्वयं युवा ही कर रहे हैं। इस योजना के तहत युवाओं को सेना में मात्र 4 वर्षों के लिए रोजगार दिया जाना है, जिसमें 25% को आगे नियमित किया जाना है और 75% को प्रमाण पत्र देकर सेवानिवृत्त कर दिया जाना है। पूरे देश भर के युवाओं द्वारा इस योजना का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इन युवाओं के समर्थन में आगे आई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। इसी कड़ी में भिलाई में भी भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और मंच के माध्यम से वक्ताओं द्वारा युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात की। देखिए, अब हमारे जो देश में सेनाओं की जो भर्ती होती है, तो जितने सबसे ज़्यादा कठिन जो परीक्षाएं होती है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, उसी तरह से शारीरिक रूप से हमारे देश के युवा इसके लिए निरंतर सालों से, बचपन से उसका मन बना के करते हैं। एक आदमी जिंदगी भर 16 साल 17 साल मानसिक और शारीरिक रूप से मेहनत करता है और उसके बाद वो सेना की भर्ती जाता है और हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित और इज्जतदार जिनके मन में जुनून और ये रहता है, उसको इन्होंने जिस तरीके से संविदा के रूप में जो किया है, इसके हम लोग विरोध करते हैं। ये हमारे देश के नौजवानों का, सेना का अभिमान है, इसे हम सत्याग्रह के तरीके से विरोध करें और निरंतर विरोध करेंगे। जब तक ये कानून में बदलाव नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस इसका पूरा विरोध करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो विरोध कर रहे हैं, देश के युवाओं के साथ देश के युवा जो एक तैयारी में फौज में जाना चाहते थे और उनके साथ ये लोगों ने छल किया, इस साल में रिटायरमेंट कर देंगे। इस योजना को केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए और न्याय करना चाहिए और पूरे युवाओं के साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के सिपाही और इस योजना का विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, अग्निपथ जो योजना भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लाई है, वो पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी निर्णय है। इससे हमारे देश में अस्थिरता फैलेगी, अराजकता फैलेगी, देश में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। युवा आंदोलित है, सड़क पे है। हाँ, हम युवाओं से अपील करेंगे कि इस सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस के बैनर तले आकर इसका विरोध करें और जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं उनको भी रोकने का काम करें, ताकि कांग्रेस के जो सत्याग्रह का जो मूल मंत्र गांधी जी ने दिया है, उसके बल पर चल के हमें सफलता मिले और ये कानून किसी भी हालत में वापस लेना पड़ेगा। मैं पूर्व फौजी अरुण सिंह सिसोदिया इस बात की पूरी तरीके से अपील करता हूँ कि इसको तुरंत वापस लिया जाए। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही पूरे देश भर में ज्यादातर युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है और अब कांग्रेस पार्टी द्वारा इन युवाओं को समर्थन दिए जाने के बाद इस योजना के लागू होने पर सवाल उठने लगे हैं। देखना होगा युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन बेरोजगार युवाओं को कितनी राहत पहुंचा पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।